ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, राजस्थान में रिफाइनरी का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का दावा है अगले महीने एमओयू साइन होगा, तो चाहते हैं कि एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनना चाहिए, एक विकास का मुद्दा बनाया जाना चाहिए। खैर, हम बात करेंगे किसानों के कर्ज की। किसान हमेशा राजनीतिक दलों के लिए एक मुद्दा रहा है, लेकिन जब बात कर्ज माफी की आती है तो उसमें मेन मिक निकाले जाते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करें तो बदहाली, सूखा और आर्थिक तंगी के चलते किसान सुसाइड कर रहे हैं, जो चिंता का विषय है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए थे कि कर्ज माफी हो चाहे कर्ज को लेकर के कोई दिशा निर्देश इस तरह के सरकारों को तय करने चाहिए, ताकि किसान अपना जो है जीवन ना त्यागे और मौत को गले ना लगाए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश था। और हाल ही में राधामोहन सिंह केंद्र सरकार के कृषि मंत्री, उनका कहना है कि किसानों के कर्ज माफी को लेकर के सरकार की कोई नीति नहीं है और ना फिलहाल कोई इस तरह का एजेंडा है। लेकिन उन्होंने एक आंकड़ा जरूर बताया है कि फसली ऋण जो है उस पर 9% ब्याज लगाया जाता है, जिसको लेकर के अभी उन्होंने 1% बताया। उसमें कहा कि 2% जो ब्याज है वो एक सब्सिडी के जरिए, 3% अनुदान के जरिए, 4% बचता है और 3% भाजपा शासित राज्य सरकारें जो है कुछ जगह पे वो अनुदान दे रही है, तो ऐसे करके मात्र 1% ब्याज उन्हें देना पड़ रहा है। खैर चलिए, इसको लेकर के हम बात करेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान कई बार ये बात कही गई थी, मुख्यमंत्री ने, माफ करिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की चुनावी सभाओं में कई बार ये बात कही थी कि किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं होना चाहिए। और राहुल गांधी अभी भी ये बात कर रहे हैं कि अमीरों का पैसा माफ कर सकते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन किसानों का और गरीबों का नहीं। मुझे लगता है कि किसान राजनीतिक मुद्दा जरूर बन सकता है, लेकिन जब किसान को राहत दी जानी चाहिए वहां वो सिर्फ इंतजार करता है कि क्या कभी सरकारी आदेश भी होंगे। इसी दौरान कई तरह की बातें भी निकल करके आ रही हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि किसानों के कर्ज का होगा क्या, क्या वास्तव में एक सियासी मुद्दा बना रहेगा, मैनिफेस्टो में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा जाएगा और जब वक्त आएगा तो मुकर जाएंगे। क्योंकि अरुण जेटली ने पिछले दिनों कह दिया है कि राज्य सरकारों का मुद्दा, राज्य सरकार इसे निपटाएं। खैर चलिए, मोदी साहब को और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हम सुनाते हैं कि किसानों के कर्ज को लेकर के क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, सबने वादा किया कि चुनाव के बाद में पहली कैबिनेट में हम कर्ज माफ कर देंगे। अब वो फंस गए हैं, क्योंकि कोई प्रधानमंत्री के कर्ज माफ करेंगे तो कोई एक प्रदेश के कर नहीं सकते, पूरे मुल्क में सभी राज्यों के कर्ज माफ करने पड़ेंगे। किसानों जो करने चाहिए उनको, इतनी देरी करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि प्रधानमंत्री के मुंह से कोई बात निकल जाती तो वो फिर पूरी होनी चाहिए। हम तो इंतजार करें कब वो कर्जे माफ करने की घोषणा करे। और मैंने सुना है कि उसके कारण से आज 7 दिन हो गए मुख्यमंत्री बने हुए, वो अपनी कैबिनेट मीटिंग नहीं बुला पा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की नेतागिरी को, सारे लीडर्स को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने इस चुनाव के संकल्प पत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद हम छोटे किसानों की फसल का कर्ज माफ कर देंगे। भाइयों बहनों, चलिए, आपने सुना पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो कह रहे हैं कि किसानों के कर्ज माफी को लेकर के लोक संकल्प पत्र जो जारी किया था बीजेपी ने, उसमें कर्ज माफी की बात कही है कि पहली कैबिनेट बुलाई जाएगी सरकार बनने के बाद में, और उसमें इस मुद्दे को रखा जाएगा। लेकिन अभी तक कैबिनेट नहीं बुलाई गई है और न इस मुद्दे पर कुछ कहा गया है। इसमें प्रधानमंत्री फंस गए हैं, क्योंकि अगर प्रदेशों का भी मामला है तो कम से कम एक बार उत्तर प्रदेश टीम को तो शुरू करते हैं, किसानों की जमकर के। मैं सबसे पहले आपसे मुखातिब हूंगा और जानना चाहूंगा कि कर्ज माफी महज एक राजनीतिक मुद्दा है या वास्तव में इसे मुद्दा मान करके हल किया जाना चाहिए। योगेंद्र जी को तथ्य देता हूं मैं, 2009 का भाजपा का घोषणा पत्र, उसमें कहा कर्ज मुक्त किसान, ऋण मुक्त किसान, ये हमारा एजेंडा है। और उन्होंने कहा हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का इंजन है किसान, कृषि, हम सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे कृषि को। और आज जो किसान ऋण के कारण से आत्महत्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम उनको संभालेंगे, हमारी प्राथमिकता होगी। इसलिए हम पूरे हिंदुस्तान को बनाएंगे ऋण मुक्त किसान तो समृद्ध हिंदुस्तान। तो 2009 का घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का, इनका खुद का ही, उसकी भी पालना करने के कभी सोचते नहीं। जैसे ही
उनको चुनावी वायदे करने होते हैं तब तो ये पीछे हटते नहीं, लेकिन जैसे उनको एग्जीक्यूट करने की बात आती है वैसे ही ये बदलते हैं। ये जो इनका रवैया है मैं सोचता हूं ये केवल मुद्दे फेंकना, वोट लेना और फिर बदल जाना, ये जो ढंग है और ये भी शीर्ष पदों पर बैठे लोगों का, तो मैं सोचता हूं किसी भी ढंग से उचित नहीं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा 2004-05 से लेकर 2016-17 तक के बजट, इनमें कॉरपोरेट जगत को जो छूट दी गई वो 59 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। किसानों का एक बार 8-9 में जो ऋण मुक्त किया गया उसकी मात्रा है 70,000 करोड़, यानी 1 लाख करोड़ भी नहीं। जैसे ही किसानों के ऋण मुक्ति की बारी आती है, चाहे बैंक हो चाहे राजनेता हो और व्यापारी उद्योगपति तो ज्यादातर बोलना शुरू कर देते हैं, इस ढंग से तो देश डूब जाएगा। तो भाई आप कॉरपोरेट जगत का छूट देते हो 59 लाख करोड़ की, उसे तो देश तरता है, और किसान के ऋण मुक्ति की बात होती है देश डूबता है। ये कैसे आपके दोहरे मापदंड है? अभी एनपीए में कम से कम 4 लाख करोड़ रुपए सरकार ने उद्योगपति को माफ कर दिए, उससे तो देश तरा, और वो तो कहते हैं वो जरूरी है देश को बचाने के लिए। और किसान को यदि ऋण मुक्ति की कोई भी बात करते कहते हैं ये तो देश विरोधी है। तो जो दोहरे मापदंड है, तो आपने जो शुरुआत की योग्यता बिल्कुल सही बात है, इस पर केवल राजनीति की जाती है और वो भी इसलिए कि किसानों की संख्या को देखते हुए वोट कैसे लिए जाए, उस पर कैसे उनको लुभाया जाए। तो लुभावने नारे के लिए, वोट लेने के लिए इसको केवल बनाया गया है नारा। चलिए अर्चना जी, मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। देखिए, किसान कर्ज का मुद्दा पहली मर्तबा नहीं है, विदर्भ से ये बात चलती आ रही है और लंबे समय से किसान सुसाइड कर रहे हैं, प्रकृति का बड़ा एक वो है। लेकिन एक ये कह सकते हैं कि सरकारें जो है हमारे गार्जियन की तरह होती है, कोई अमीर होता है कोई गरीब होता है, लेकिन किसान जिसे अंदाता कहा जाता है, और ये भी कहते हैं बात सही कह रहे हैं कि हमारे जीडीपी का इंजन मान के चलते हैं उसे, लेकिन जब उस पर आफत आती है तो हम बगले झांकने शुरू कर देते हैं। कोई राजनीतिक दलों और राहत की अगर हम बात करें तो किसान आज भी वो घड़ियां अपनी नहीं गिना सकता जो कह सकें कि ये क्षण हमारे लिए वो थे किसी सरकार ने सोचा हो। देखिए योगेंद्र जी, इसमें कोई संशय नहीं कि आज भी एग्रीकल्चर जो है जीडीपी में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर में से एक है, और इसमें भी कोई गलत बात नहीं है जो जाट साहब ने पूरी विडंबना को यहाँ प्रदर्शित किया, और सही बात कही उन्होंने कि किसानों के हित की बात जो एक नारे के रूप में चुनावी समय में होती है, उसके बाद जब उसको इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तब सारी सरकारें मुकरती हैं। अभी तो हम बिल्कुल, हमने साक्षात्कार भी कर लिया कि यूपी इलेक्शन को लेकर के किस प्रकार से प्रधानमंत्री गरज रहे थे हर सभा में किसानों के ऋण माफ होने चाहिए। अब दुविधा तो ये हो गई कि ऋण माफ हो कैसे, क्योंकि सरकारों पर सारा बोझ डालने की बात कही गई, वित्त मंत्री ने कह दिया, उसके बाद जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर उन्होंने भी यही बात दोहराई है, और आपने भी बताया किस प्रकार से उन्होंने दावा किया कि 1% ही है जो स्टेट पर है, बाकी सारा तो जो उसका ब्याज होता है उसको सारा वहन केंद्र राज्य सरकारें सब्सिडी के रूप में या फिर अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के रूप में करती है। लेकिन दुविधा देखिए कि जो यूपी में इतने प्रपंच के साथ वहां एक मुख्यमंत्री बनाए गए, वो आज अपनी कैबिनेट मीटिंग इससे नहीं आयोजित कर पा रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे कैबिनेट मीटिंग होगी तो उन्हें यह साबित करना होगा कि जो मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा कमिटमेंट था किसानों के ऋण को माफ करना, उसे कैसे घोषित किया जाएगा। इसी में एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, पंजाब में हमारी सरकार बनी, हमारा भी कमिटमेंट यही था हमारे मैनिफेस्टो में, तो सबसे पहले जो अमरिंदर सिंह जी हैं उन्होंने अपनी कैबिनेट मीटिंग में कहा कि इतने इतने करोड़ का जो ऋण था किसानों पर उसको सरकार वहन करती है और सरकार उसको चुकाएगी। तो एक तो होता है कमिटमेंट पूरा करने की एक अपनी इच्छा शक्ति, और दूसरा होता है कि चुनावी वादे के रूप में किसानों से वोट अर्जित करना। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, और यही कारण है कि शायद देश में किसान की दुर्दशा होती रही। और फिर जितना हम घोषणा करते हैं बजट में कि हमने इतने करोड़ों रुपए कृषि के पेटे वहां पर सुरक्षित किए हैं, लेकिन होता क्या है, वो तो सारा पैसा जो है वो सीमांत किसान ज्यादा है, लघु किसान ज्यादा है, या फिर यूं कह सकते हैं बटाईदार ज्यादा है, और जो ज्यादा जिनको कह सकते हैं कि उद्योगपति के रूप में जो किसान है जिनके पास प्रोसेसिंग यूनिट्स भी है और जो अन्य क्षेत्रों में सब्सिडी लेते हैं, उनका शेयर जो मैक्सिमम उन्हीं के पास जाता, छोटे किसान के पास वो जाता नहीं। आपने देखा अभी सरकार ने एक घोषणा की और उसका वाहवाही लेने का प्रयास किया उसको लेकर के, मेरे ख्याल से फर्टिलाइजर को लेकर के है कि वो उसकी सब्सिडी सीधे जो है कंपनीज को जाएगी, किसान का जब पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे उसका ये हो जाएगा कि उसने अपना सारा यूरिया ले लिया है तो उसके बाद उसकी भरपाई होगी। लेकिन आप इस चीज का अंदाजा लगाइए कि जिन लोगों के नाम पर ये सब्सिडी का खेल किया जा रहा है उसमें सबसे बड़े माफिया जो विदेशी कंपनियां हैं वो यहां उनका प्रादुर्भाव होगा और फिर एक शोषण की प्रक्रिया शुरू होगी। चलिए मनीष जी, 2022 के सपने आप दिखा रहे हैं कि किसान की आमदनी दुगनी होगी,
आप लोगों ने अनाउंसमेंट भी किया है, इसको बजट में भी आप लोगों ने कहा है ये, लेकिन किसान ये चाहता है कि हमें तो वर्तमान परिस्थितियों में भी आप इतना हमें स्वावलंबन दे दें, आप हमारी जो चीजें उन्हें दुरुस्त कर दें, 2022 का सपना बहुत दूर होगा, क्योंकि मंजिल आप बनाएंगे लेकिन आप उसके प्लिंथ लेवल तक अगर इतना कमजोर रखेंगे तो कैसे ऊपर तक चढ़ पाएंगे उसमें माल। सबसे बड़ी जरूरत तो आज किसान को है कि सुसाइड करने से बचे। आपको ध्यान होगा एनसीआरबी के आंकड़े हैं, 2015 के अंदर 6 किसान एवरीडे सुसाइड कर रहे हैं और 2014 में 4 किसान कर रहे थे, तो बड़ा चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरा, पहले बोनस मिलता था समर्थन मूल्य के साथ में, वो आप लोगों ने मर्ज किया या खत्म कर दिया, आप लोगों का तो दावा है कि उसको हमने मर्ज कर दिया है, लेकिन समर्थन मूल्य के ऊपर आज भी आप लोगों को मालूम होगा, आप गंगानगर बड़ी मंडियां है, खैरतर बड़ी मंडी है, कोटा बड़ी मंडी है, लेकिन हालात क्या है कि पर्ची पकड़ाई जा रही है कि ठीक है जब होगा जब समर्थन मूल्य के हिसाब से आपको पेमेंट कर देंगे, वो दलालों के माध्यम से अभी भी जा रहा है। रविंद्र जी, ये बात सही है कि जो माननीय मोदी जी की सरकार है वो विकास के विषय पर किसानों की अपनी भूमिका के साथ में स्वीकार करती है, लेकिन ये बात हुई है कि जैसे 2022 तक डबल इनकम करके उसको स्वयं समृद्ध सुदृढ़ किसान बनाने के लिए इकोनॉमी में उसका रोल पूरा रहे, इसकी बात होती है, और जो पहले की सरकारें रही थी वो कर्जा लो और उसको माफ कर देंगे, फिर कर्जा करेंगे, फिर सरकार वहन करेगी, फिर आपको दे देगी, आप ही का पैसा है, आप ही को माफ कर देंगे, तो ये थोड़ा तो भावना में फर्क आया है, लोगों ने भी देखा है इसका, और इसके कुछ सुफल सामने आए थे इसलिए किया। लेकिन ये बात भी भारतीय जनता पार्टी ने किया, किसान क्रेडिट कार्ड है, फसल बीमा है, और अब ये सोइल कार्ड है, ये सब चीजें भी आई है, तो ऐसा नहीं है कि जो कृषि के अपने विषय है वो बदल रहे हैं, मायने बदल रहे हैं, उनकी उपज बढ़ाने की सारी बातें की जा रही है, तो दूसरी तरफ नीम कोटेड यूरिया का जमाना आया है, तो ये भी हुई है। लेकिन आप ये समझिए कि बीजेपी ने वादा किया नहीं था, अब उत्तर प्रदेश की बात अपन करेंगे तो वो तो फर्स्ट उसमें हो ही जाएगी, जिसके बारे में कांग्रेस आशंका जता रही है कि वो केवल फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि वो कैसे करेंगे, जो ये इनकी खुद की मनगढ़ंत पुलावी नहीं, नहीं हमारी तो मनगढ़ंत है, ये वास्तविकता होगी तो हो जाएगी, कैबिनेट मीटिंग जब भी होगी हो जाएगी, उस दिन कर देंगे वो, अभी वो जो दूसरी प्रायोरिटीज उनकी है वो कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, राजस्थान में तो किसान माफ कर वादा नहीं किया था ना, तो आपने यहाँ पर क्यों किया? कांग्रेस पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस चीज को करने की, हमने जो कमिट कांग्रेस क्यों नहीं, और भाई मेरी बात सुनिए, और उसमें जो 2-4 हजार तो ये किसान की बात उठाना कोई पाप थोड़ी है, पहले भी किसान की बात उठा रहे हो आप, सबसे बड़ी बात किसान मरे पहली बार राजस्थान के इतिहास में, उसके बावजूद जब ये इन्होंने देखा कि सरकार अच्छा चल रही है, जगह जगह चुनाव जीत रही है, तो अब क्या करें, तो इन्होंने 3 बातें लेकर आए, पहले कहे कि राहुल गांधी जी का बयान आया कि जो वन रैंक वन पेंशन है उसमें ये 7वें कमीशन में कम हो रहा है, पूर्व सैनिकों को ज्यादा मिलना चाहिए पैसा, कितने होंगे साहब 22,000 करोड़ रुपए ज्यादा देने चाहिए उनको, उसके बाद में किसानों का कर्जा माफ कर दो 60,000 करोड़ ये हो जाएंगे, तो उनको लगता है कि 80,000 करोड़ का बोरा इनके माथे मेल दो और रवाना हो जाओ। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी गैर जिम्मेदाराना बातें वो कर रहे हैं केवल भाषण देने के लिए, कमिटमेंट तो आप कर रहे हो ना, खुद ने किया, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जिन्होंने कमिटमेंट किया वो यूपी में करेंगे, लेकिन आप यहाँ प्रदर्शन करके दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं वहां करेंगे तो रेप्लिकेट होना चाहिए सब जगह, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था।